माशाल्लाह कोफ्ते रेडी हो गए हैं और अमरी आप खाएंगी, मैं बाइट ले लूं फिर नहीं रसमन एक बाइट। 1 किलो के बने थे तकरीबन 30 कोफ्ते, ये हमने 15 कोफ्ते यूज़ करके इसकी रेसिपी बनाई है जी। असल में फ़ैट आप इसमें यूज़ करें, आप हमेशा जब भी इसका कीमा कराएं तो 800 ग्राम कीमा और 200 ग्राम फ़ैट इसमें ज़रूर डलवाएं। ये आपने अंदर से कोफ्ता देख लें जी, वो ना देखे रहे अंदर, बहुत गर्म है, यहाँ से पास आकर दिखा दूँ मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फूड विद साद राजा। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि आप लोगों को हमने लास्ट टाइम कहा था कि बहुत स्पेशल रेसिपी आने वाली है, तो हम लेके हैं आपके लिए, और आज हम आपके साथ बनाएंगे जी मटन के कोफ्ते। ये आप देख सकते हैं मटन के कोफ्ते हमने रेडी किए हैं, आपको सब बताएंगे कि ये रेडी किस तरह किए हैं, पूरा प्रोसेस आपको वीडियो में नज़र आएगा, बेफिक्र हो जाएं। सबसे पहले हमारी आप कह रहे हैं कि घी डाल देते हैं, और फिर मैं इनको पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। ये जी हम 200 ग्राम जो है इसमें घी ऐड कर देंगे, ये हमारा चला गया जी घी, ठीक हो गया घी हमने डाल दी है। अब हम आपको बता देते हैं कि हमने कोफ्ते कैसे बनाए हैं, उसका पूरी रेसिपी और पूरी वीडियो भी आपको नज़र आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ें ऐड की हैं उसमें हमने गार्लिक पेस्ट ऐड किया 1.5 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हमने जिंजर पेस्ट ऐड किया है, अदरक की पेस्ट। उसके बाद हमने हरी मिर्चों की जो पेस्ट है वो हमने ऐड किया 1.5 टेबल स्पून, क्रीम हमने ऐड किया 1.5 टेबल स्पून, योगर्ट दही हमने ऐड किया 1.5 टेबल स्पून, बेसन की हमने ऐड किए हैं 4 टेबल स्पून इसके अंदर, और जो हमने गरम मसाला बनाया उसका भी हमने 1.5 टेबल स्पून ऐड किया है, लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, नमक जो है हमने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। आप चख लें, अगर आप चाहें तो 1.5 भी डाल सकते हैं, लेकिन वो बाद में भी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, पहले चख लें इसको एक दफ़ा। उसके बाद हमने जो फ्राई अनियन है उनको हमने फ्राई किया था पहले, ये हमने 250 ग्राम प्याज को फ्राई कर लिया, और उसके बाद फ्राई करने के बाद जब ये ब्राउन होए उस बाद हमने इसको अच्छी तरह से पीस लिया, और पीसने के बाद हमने 250 ग्राम का जो पाउडर है बारीक अनियन का वो इसमें ऐड किया है, और साथ में हमने जो गरम मसाला बनाया था उसका 1.5 टेबल स्पून इसमें डाला है। गरम मसाले में हमने क्या क्या किया था वो भी आपको बता देते हैं। हमने इसको पहले टोस्ट किया था और बाद में इसको मसाले को हमने ग्राइंड कर लिया था, तो ये सारा कुछ हमने आपको बता दिया, इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है, और फिर हमने ये कोफ्ते बना लिए हैं। तो आप चाहें तो हमने तो ये 1 किलो कीमे के हिसाब से जी बनाया है, लेकिन हमने जो कोफ्ते बनाए हैं वो भी आधे किलो कीमे के बनाए हैं। तो ये जो आपको रेसिपी सारी बताई है ये 1 किलो कीमे की है, आप बाकी कोफ्ते भी बना के रख लें, आप उनको फ्राई करके फ्रीज कर दें, बाद में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आधे कीमे का, आधे किलो कीमे के जो आपके सामने कोफ्ते हैं ये हमने आपको बता दी है, जो रेसिपी आपको बताई है सारी वो 1 किलो कीमे के हिसाब से थी। तो अब हम बनाएंगे जो आगे वो आधा किलो कीमे के हिसाब से, या आप कह लें जो हमने आधे कोफ्ते हैं उसके हिसाब से हम आगे अब रेसिपी अपनी बनाएंगे। सबसे पहले माँ जी क्या ऐड करेंगे, जीरा। जीरा ऐड करेंगे, ये रहा जी जीरा, कितना ऐड करना जी जीरा, बस एक चाय का चम्मच, 1 टीस्पून हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे। चल ये 1 टीस्पून इसमें जीरा ऐड हो गया जी, वो गरम खड़े मसाले जी। तो खड़े मसालों में जी हम इसमें डाल रहे हैं ये 2 दालचीनी है इसके पीस चले जाएंगे, और 5 से 6 लौंग है ये हम डाल देंगे इसमें, और साथ 2 तेज़ पत्ते ऐड कर देंगे। तो जी कोफ्ता मसाला जो है आपको आज बताएंगे कोफ्ते कैसे बनते हैं बेहतरीन तरह के, हल्का सा इसको फ्राई होने देते हैं, भूनते हैं, और फिर बाकी चीज़ें बाद में ऐड करते हैं। अच्छा जी, अब हम डालेंगे इसमें गार्लिक की पेस्ट, ये हमारे पास 1.5 टेबल स्पून गार्लिक की पेस्ट है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 आप कह लें टीस्पून फुल जो है वो जिंजर पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, जो कच्चापन है इसका वो ख़त्म हो जाए अदरक का और लहसुन का। अच्छा इनको ये बताएं कि जो हमने टमाटर की पेस्ट और दही की बनाई हुई है ना, जब आप पेस्ट बनाओ ना जी, तो आप उसके अंदर नमक मर्च वगैरह सारा कुछ डाल सकते हैं, लेकिन हम इसी में डाल देंगे। हाँ। वैसे इनको बताते हैं कि हमने ये जो पेस्ट बनाई है हाँ। ये आप देख सकते हैं इसमें हमने 2 टमाटर थे वो ऐड किए हैं, और साथ में छिलका उतरा हुआ था उनका, और साथ में हमने 1/2 कप दही ऐड किया, और ये पेस्ट बना लिया है, तो हमने पहले बना के रख लिया है, आप भी चाहें तो आप ऐसे ही बना लें। फाइनली जी हमने आज कोफ्ते बनाए थे, आई मीन गर्मी बहुत थी हालांकि, तो फिर भी मैंने अम्मा से रिक्वेस्ट की कि आप कोफ्ते बना दें, मेरे हाथ जल रहे हैं।
मैं मिक्स कर लेता हूँ आज। नहीं 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 इससे नहीं चल रहे। अच्छा कोफ्ते बनाने से चल रहे। अच्छा अब इसमें नेक्स्ट क्या जाएगा? ये मसाला जाएगा? हाँ जी ये वाला डाल दूँ? ये वाला दही वाला। ठीक है तो अब हम इसमें ये दही वाला मसाला ऐड कर देंगे जी। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं। ठीक है थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देते हैं और ये थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसमें इस तरह डाल देंगे, सारा मसाला भी साफ हो जाएगा। देखा ना ये दही ये टमाटर नहीं ना गलते, वो एक आधा पीस को ग्राइंड नहीं होगा सही से, हो जाएगा अभी इसमें। अब इसमें नमक मिर्च डाल दो। नमक मिर्च डाल दूँ अभी? अच्छा जी तो एक टीस्पून भर के इसमें जाएगी जी लाल मिर्चें। हम लोग कम खाते हैं, आप जितना मुनासिब समझो बेटा डालो। अच्छा जी साथ इसमें चला जाएगा जी एक टीस्पून भरा हुआ धनिया पाउडर आधा, और ये 1.5 चला जाएगा जी। जो हमने इसका मसाला बनाया गर्म मसाला उसमें भी हमने ऑलरेडी धनिया डाला हुआ है। हम 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर रहे हैं, आप हसबे जायका नमक डाल सकते हैं जितना भी आप डालना चाहें। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे जी 1/2 टीस्पून हल्दी है हमारे पास, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये चलेगी जी। तो सूखे मसाले हमने अपने सारे ऐड कर दिए, अब इसको हम पका लेंगे और पकाने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है। सिंपल है, आसान रेसिपी है, लगती बड़ी मुश्किल है सुनने में, लेकिन बस जो मेन काम है वो ये कोफ्ते रेडी करना है। ये हो गया एक दफ़ा, आगे आसान है। तो इसको मैं अभी हम पकाएंगे 5 से 6 मिनट, इसको भी हम पकाएंगे और बाद में फिर हम बताते हैं आपको कि इसमें क्या ऐड करना है। इसका ज़रा पानी ख़त्म हो जाए, पानी खुश्क हो जाए इसका, टमाटरों का पानी खत्म, टमाटर और दही का, फिर आपको बताते हैं इंशाल्लाह जी। ये देखें अब हमने इसको अच्छी तरह से मसाले को भून लिया है अम्मा जी। हाँ अब डालो इसका प्याज का पाउडर जो हमने बनाया, जो ये बनाई है। अच्छा अच्छा इनका भी इसका भी इनको बता देते हैं कि ये हमने प्याज का जी इस तरह से बना लिया है कि हम इसमें डाल देते हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ कि हमने ये किस तरह बनाया है, बड़ा ही सिंपल है, आप भी इस तरह ही बना लीजिएगा। तो हमने जो है प्याज ब्राउन कर लिए थे, जब प्याज हमारे अच्छी तरह से ब्राउन हो गए थे तब हमने उनको दौरी डंडे में, देसी लैंग्वेज में बताते हैं, उसको कूट लिया था और फिर ये हमने बना लिया है। ठीक है जी इसमें डाल दिया, ये 250 ग्राम प्याज का इसमें डाला था हमने और 250 ग्राम के हमने अपने कोफ्तों में ऐड किया था। तो आप आधा किलो प्याज फ्राई कर लें, उसकी बना लें पाउडर इस तरह से, पेस्ट टाइप बना लें उसकी दौरी डंडे में, आधा उसमें डाल दें 250 ग्राम, आधा इसमें डाल दें। अच्छा जी इसको मैं अब व्हाट्स नेक्स्ट, तेज पत्ता निकाल दिया बस, उसकी खुशबू आनी थी सारी आ गई, डन हो गया। कोफ्ते ऐड करें अब, थोड़ा सा पानी लाके इसका रंग देखो। ठीक है थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। हाँ बस पानी ऐड कर दिया ना। हाँ जी अब कोफ्ते डाल। चलिए अब हम कोफ्ते ऐड करते हैं जी। तो कोफ्ते इस तरह से प्यार प्यार से जो है आप रखते जाएं जी। टोटल ये आगे जी हमारे कोफ्ते, अब इसको बेटा इसको छेड़ना वेड़ना कोई नहीं। ठीक है इसको छेड़ना नहीं है जी। हाँ, आपने अब ये को 10 मिनट के लिए ना ये अपना कलर छोड़ेंगे, व्हाइट कलर करेंगे बेसिकली, 10 मिनट बाद ये फर्म हो जाएंगे ताकि इनको आप हिलाएं भी तो टूटे ना भी, आपने हिलाया तो ये गए। 10 मिनट इसको यूं रखते हैं और फिर 10 मिनट बाद आपसे मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। ले जी 10 मिनट गुजर चुके हैं, हमें जी ढक्कन इसका खोलते हैं और फिर देखते हैं कि वाह जी वाह, मॉम गुड, हाथ पीछे कर लिए जी, बेहतरीन है, कोई भी नहीं टूटा अल्हम्दुलिल्लाह। असल में फैट आप इसमें यूज़ करें, आप हमेशा जब भी इसका कीमा कराएं तो 800 ग्राम कीमा और 200 ग्राम फैट इसमें ज़रूर डलवाएं, फिर ये कोफ्ता टूटेगा नहीं इंशाल्लाह। 800 ग्राम कीमा 200 ग्राम फैट ये बताया ना मैंने, तो फिर आपका कोफ्ता जो है नहीं टूटेगा इंशाल्लाह।
आधी फैट तो वो जो चॉपर में ही लागे जाती है, वो चॉपर से उतार लेना। जी अम्मा जी, इज देयर एनीथिंग टू ऐड? नहीं नहीं अभी नहीं ऐड, अभी नहीं। इसको थोड़ा मज़ीद हम 5-7 मिनट इसको मज़ीद भूनेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इसमें हम क्या ऐड करेंगे। ले ली, अभी तक इसको टोटल 15-16 मिनट हो गए हैं भूनते हुए हमें। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। ये मसाला वही है जो हमने बनाया था, तो ये हम डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून मसाला जो है इसके ऊपर यूँ छिड़क देंगे। छिड़क बस बस नहीं अम्मी, 1 टीस्पून तो होने दें। लें जी, मसाला चला गया जी। धनिया लाओ, धनिया लाएं जी। ये इस पर हम धनिया डाल देंगे, धनिया अच्छा लगता है इसको। हाँ बड़ा बेहतरीन। ये इस पर धनिया चला गया बस। अब थोड़ा सा पानी लाओ, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जी। ये पानी हमेशा, जैसे आपको ऑलरेडी बताया है, हांडी में गर्म पानी ही ऐड करें, उसमें आप पानी ऐड कर देंगे। डालो बस। तकरीबन आप समझ लेंगे 500 से 700 ml हमने जो है इसमें पानी ऐड कर दिया। और अब हम इसे हल्की आंच पर रख देंगे। ग्रेवी थोड़ी जब थिक हो जाएगी, कोफ्ते अच्छे से पक जाएंगे। तकरीबन हम ये कितने मिनट लेंगे? 7-8 मिनट तो मज़ीद लेंगे ये। हाँ, क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर बिल्कुल ही खुश्क हो जाएंगे। खुश्क हो जाएंगे फिर, तो हमें वो नहीं चाहिए। हल्का सा मसाला जैसे ठंडा होता है तो सारे वैसे भी खुश्क हो जाता है ना इसको। हाँ मैं करता हूँ, आहिस्ता आप ढक्कन दे, मैं आहिस्ता करता हूँ। ले जी, अब इसको देखते हैं। ओए होए 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 होए, माँ जी कमाल है, छा गई आप। इसको ज़रा मिक्स करें, मिक्स। हाँ जी बेहतरीन। अगर आपने इसका गाढ़ा शोरबा रखना है, यानी कि मसाला रखना है, तो इसको थोड़ा गाढ़ा कर लें। और वैसे ऐसे रखना है तो ये चावलों पे ही खाया जाएगा और रोटी से भी खाया जाएगा, ठीक है? लेकिन ये जैसे जैसे ये सूखता है ना तो और गाढ़ा होता रहेगा। तो ये कोफ्ते डन है जी हमारे। अब इसको डिश आउट करते हैं, खाते हुए आपको बताते हैं कि कैसे बने कोफ्ते। नहीं जी माशाल्लाह कोफ्ते रेडी हो गए हैं। और हमारी आप खाएंगी? नहीं, मैं बाइट ले लूँ फिर। रस्मन एक बाइट हमारी बनती है ना इसको खाना, तो हम जी एक कोफ्ते की बाइट लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कोफ्ता। ये आपने अंदर से कोफ्ता देख लें जी, वो ना देखे रहें दे, बहुत गर्म है। यहाँ से पास आके दिखा दो मेरे भाई। और ये हमने कोफ्ते के लिए जी बाइट, वाह कैसे सॉफ्ट। ये देखे ना कितने सॉफ्ट है मेरे भाई, देखिएगा। इस पर रख लो, इस पर रख लो। ओए अम्मी बड़ा गर्म है, चम्मच दूँ? नहीं हो गया, रोटी पे रख दी मैंने डायरेक्ट। ये देखो मेरे भाई, ये सॉफ्टनेस की चेक करें। हाँ ये चीज़ों को दिखाओ ना रोटी पर। अंदर से जूसी हैं कोफ्ते, ये देखें। और यहाँ से कोफ्ते का ये पीस लिया, किमे का शोरबे में लगाया। ये सारे कोफ्ते मैं खा सकता हूँ अभी, लेकिन थोड़ी देर बाद खाऊंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर लविंग, थैंक यू फॉर लाइकिंग। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ जी, अल्लाह हाफिज़ जी। अम्मी क्या हुआ? मैं सोच रही थी सही बने अम्मी, टेंशन नहीं लेनी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा।